इच्छा पूर्ति हो जाएगी। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परिषद में सर्वप्रथम अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। परिचय की क्रिया है जिसमें हम एक दूसरे को जान सके, जानते तो हम सभी लोग होंगे लेकिन फिर भी अपनी ही परंपरा है, लेकिन उसके पहले कुछ एक दो बातें मैं बताना चाहूंगा। विशेष कुछ जानने के लिए हमारे बीच में श्रीमान अमरकांत झा जी, बहुत सारे लोग हम लोग परिचित नहीं होंगे। ये धनबाद विभाग जो अपना विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान जो चलता है पूरे भारतवर्ष में, तो वो पूरे भारतवर्ष को 8 इकाइयों में बांटा गया है जिसको हम लोग क्षेत्रीय मतलब रूप देते हैं, और उस बिहार क्षेत्र के अंदर बिहार और झारखंड दोनों मिला करके यहाँ पर एक समिति कार्य करती है जिसके अंदर 3 समितियां और काम करती है, और जिसमें विद्या विकास समिति झारखंड में एक है जिसके अंतर्गत झारखंड के सारे विद्यालय आते हैं, और उसमें धनबाद और बोकारो ये 2 जिलों को मिलाकर के एक अलग खंड बनाया गया है जिसको हम लोग विभाग नाम देते हैं। तो धनबाद और बोकारो जिले में कुल 47 विद्यालय चलते हैं विद्या मंदिर शिशु मंदिर के नाम से। इन 47 विद्यालयों के आप विभाग प्रमुख हैं यानी निरीक्षक जिसको हम लोग कहते हैं, तो पूरे बोकारो और धनबाद जिले में घूम करके सभी विद्यालयों की व्यवस्था इत्यादि के बारे में आपकी जवाबदेही रहती है, और प्रांत स्तर पर विद्वत परिषद की जिम्मेवारी भी आपके ऊपर है, तो आप लोगों से मिलने के लिए खासकर आखिरी सुनाए हैं बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर के जो मूल बिंदु है जिसके निमित्त हम लोग यहाँ उपस्थित हैं कि हमारा अपना एक निजी कार्य है जिसमें हम किसी कॉलेज से किसी स्कूल से किसी अन्य पेशे से जुड़े हैं, जहाँ हम अपने जीवन का कुछ बहुत हद तक का समय उसमें लगाते हैं, उससे अपने परिवार अपने जीवन की मतलब आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, कि हमारा दैनिक क्रिया है दैनिक कार्य है और हम करते हैं। लेकिन जिस समाज में रहते हैं जिस परिवेश में रहते हैं जिस वातावरण में रहते हैं, कहते हैं कि जिस देश में हम रहते हैं जिसकी देश की सीमाओं से बंधे हुए हमारा अपना सब कुछ व्यतीत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका भी हमारे ऊपर बोझ है, उसका भी हमारे ऊपर कर्ज है या कुछ जवाबदेही बनती है। कहने के लिए बहुत छोटी सी बात है लेकिन अगर इसकी व्याख्या करें तो बहुत लंबा हो जाता है कि हम एक परिवार से जुड़े हुए हैं, नौकरी करते हैं, कुछ अर्न करते हैं, परिवार की जरूरतों को पूर्ति करते हैं। कभी कभी भावा में समझ कहते हैं कि बस कमा दिए पैसा ला दिए घर में और क्या तुम लोगों के लिए करेंगे, और हमको लगता है कि हमने अपनी जिम्मेवारी पूरी कर ली है। लेकिन अगर घर में पत्नी खुशहाल नहीं है, संतुष्ट नहीं है,
बच्चे अगर मतलब खुशहाल नहीं है, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी दिनचर्या अगर व्यवस्थित नहीं चल रही है, तो कहीं ना कहीं हम भी वहां पर जवाबदेह बन जाते हैं। और कहते हैं कि वहां उसकी सही दिशा नहीं मिलने से समाज के भी लोग कहते हैं कि इसका मुखिया या इसका परिवार का, इसके माँ पिता जी किस ढंग से इसकी परवरिश की है, तो उंगली उठती है। अगर हम इस शिक्षक के नाते समाज में रहते हैं तो ऐसे भी कहानी कही जाती है या उदाहरण लोग देते हैं कि अगर एक शिक्षक परिवार जिस मोहल्ले में रहते हैं तो उस पूरे मोहल्ले के लोगों को एक बड़ा विश्वास सा बनता है। क्या विश्वास बनता है कि अगर कहीं मुकदमे में उसकी कोई समस्या आ गई है तो उसको लगता है नहीं, उनके पास जाने से हमको सही राय मिलेगी। घर में कोई बीमार पड़ गया है, अरे मास्टर से पूछो ना, वो जरूर कुछ रास्ता बताएंगे। किसी से झगड़ा हो गया, चलो ना यहाँ एक शिक्षक रहते हैं उनके पास चलते हैं, वो कुछ रास्ता बताएंगे। यानी किसी भी तरह की समस्या हो लेकिन लोग इस भाव के साथ आए। तो समस्या चाहे जिस तरह की भी हो समाज में, लोगों को एक उम्मीद सी बनती है कि ये शिक्षक हैं या शिक्षा देने का काम करते हैं तो इनसे हमको कुछ न कुछ तरीका, कुछ न कुछ रास्ता मिल जाए। और समाज की ये जो उम्मीद है, ये आशा है हमसे, तो कहीं ना कहीं हमारी नैतिक जवाबदेही बनती है कि हम उसकी उम्मीद को पूरा करें। उससे हम भाग नहीं सकते। मतलब कानून की बात है, ये झगड़ा किया तू लोग मेरे पास क्यों आ गया, हम क्या मतलब पुलिस है भाग ऐसे, ऐसा कह के हम टाल नहीं सकते हैं। उसको कुछ ना कुछ हम तसल्ली देंगे, सांत्वना देंगे, अपनी जो जानकारी में होगा उस जानकारी के अनुसार उसको रास्ता बताएंगे। फलाने जगह पे चलो, वहां एक व्यक्ति है, कानून की जानकारी उसे मिलवा देते हैं तुम्हारा काम। तो उस समाज की जो उम्मीद है उस उम्मीद पर हमको खरा होता है। तो इसी को ध्यान में रखकर विद्या भारती ने अपना एक अभियान लेके चलाया है कि समाज के कुछ वैसे गणमान्य लोगों को हम एक जगह एक मंच पर लाए और उनके सामने, चाहे हमारे विद्यालय की अपनी ज्वलंत समस्या हो, बच्चों के अंदर जो अभी बदलाव आ रहे हैं हम सभी अनुभव कर रहे हैं, हमारे पास थोड़े छोटे बच्चे हैं, आपके पास थोड़े से बड़े बच्चे हैं, लेकिन परिवर्तन तो उसमें आ रहा है। कहीं ना कहीं जो नैतिकता का पतन हो रहा है या गुरु शिष्य की परंपरा में जो ह्रास होते चला जा रहा है, रिश्ते में जो मतलब दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हम केवल वहां से कमाने के लिए जा रहे हैं, बच्चे को लग रहा है कि बस मतलब उनको तो पैसा मिलना है, पढ़ाए चाहे नहीं पढ़ाए, ये जो ये आ रहा है आखिर क्यों आ रहा है, कहां से आ रहा है, कमी कहां हो रही है। क्लास में पढ़ाने गए, पढ़ाते समय हमको किसी तरह की परेशानी हुई, चैप्टर से हो सकता है, सिलेबस से हो सकता है, क्लास के वातावरण से हो सकता है, स्कूल के मैनेजमेंट से हो सकता है, तो हम बैठ करके उस पर कुछ चिंतन कर सकते हैं क्या। हम जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले में रहने वाले लोग कुछ अलग ही विचारधारा के हैं, उनकी सोच ही कुछ अलग है, या मेरे ऐसा लगता है कि वहां कुछ मतलब उन लोगों के यानी जेहन में समाज के प्रति या अच्छाई के प्रति, स्वच्छता के प्रति, शिक्षा के प्रति ऐसी कोई सोच ही नहीं है, भावना ही नहीं है। तो हम एक शिक्षक होने के नाते, शिक्षाविद होने के नाते या एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अपने उस मोहल्ले में हमारी उपस्थिति से, कहते क्या एक शिक्षक जहाँ रहता है वहाँ का वातावरण अपने आप बिल्कुल सात्विक और स्वच्छ हो जाता है, तो हम वहाँ कुछ अपनी भूमिका निभा सकते हैं क्या। क्योंकि अगर हम शुरुआत घर से करते हैं तो घर का बगल वगैरह इनके बच्चे बड़े संस्कारी हैं, जरूर कुछ बात है तो मिलना चाहेगा आपसे, जानना चाहेगा कि क्या करते हैं, किस तरह की व्यवस्था करते हैं। अगर वो व्यवस्था उस घर में चली गई तो उस घर से उस घर में, तो हमको लगता है कि आसपास का मोहल्ला और उस मोहल्ला से होते हुए समाज और समाज से होते हुए फिर तो हम उस कल्पना को भी ले लेंगे जो पूरे देश को लेकर चलती है। तो ऐसी ही कुछ बातें, विषय बहुत लंबा है, माननीय कांत जी आप लोगों के सामने कुछ रखेंगे, लेकिन मेरा बस यही कहना है कि हम सब एकजुट हुए हैं सिर्फ इस बिंदु को लेकर के कि जब भी ऐसी कोई समस्या आएगी, ऐसा कोई बिंदु आएगा, ऐसा कोई विषय आएगा या ऐसा कहीं से भी कुछ आएगा, हम पांच लोग बैठेंगे, उस पर विचार करेंगे और कोई एक निष्कर्ष निकालेंगे और अपने अपने क्षेत्र में चल करके उसके अनुसार हम काम करना शुरू कर देंगे। अगर पांच लोग पांच क्षेत्र में, यहाँ हम लोग कुल संपर्क हमने किया 24-25 लोगों से, हम लोग मतलब 14-15 आ ही गए हैं, तो अगर 15 लोग एक सोच बना करके अगर 15 जगह पहुंचते हैं तो कम से कम 15 मोहल्ले को तो हम लोग कहीं ना कहीं बदलाव की दिशा में मोड़ सकते हैं।
तो उद्देश्य यही है, इतना ही है, इसी निमित्त हम लोग बैठे हैं। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। अपने और काजी से हम लोग परिचित हो लिए, पूरी पूर्णकालिक कार्यकर्ता है। घर पर मात्र 5 दिन इन लोगों को नियम के अनुसार, वो भी कभी कभी नहीं होता है, महीने भर इनको घर से बाहर और समाज में अन्य स्कूल स्कूल से उस स्कूल उस स्कूल से वहाँ से वहाँ निकलना है, घूमना है, यही व्यवस्था देखनी है। इसलिए हम लोग इनको पूर्णकालिक कहते हैं, घर द्वार छोड़ कर इनके सन्यासी की तरह निकलना। उनके बगल में माननीय इसके समाचार हम सभी परिचित हैं, सिटी कॉलेज के आदरणीय प्राचार्य हैं। और सबसे अहम बात इनकी हमको लगती है कि इनके चेहरे पर जब भी नजर जाती है तो इनका मतलब वो मतलब वात्सल्य में, कभी गुस्सा कभी तनाव कभी ऐसा कुछ हमने देखा नहीं। कई बार इनसे मिलना हुआ, मुलाकात हुई, या फिर विद्यालय में भी कई ऐसे कार्यक्रम आए जिस कार्यक्रम में अपने अन्य अनुसांगिक इकाइयों के भी कई कार्यक्रम होते हैं जहां आपकी उपस्थिति रहती है, आते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वास्तव में एक गार्जियन की भूमिका में आप रहते हैं। हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बगल में आपकी धर्मपत्नी जी हैं, आप भी मतलब उसी जाने प्रोफेसर के रूप में हैं करानी जी, और अपने माननीय अमरकांत जी के ठीक बगल में हमारे श्री दयाल कुमार ईश्वर जी, आप इस विद्यालय के माननीय सचिव हैं जो प्रबंध कारिणी समिति अपनी चलती है विद्यालय व्यवस्था की दृष्टि से, और बोकारो में अपना एक ट्रस्ट भी चलता है भारतीय संस्कृति ज्ञान मंदिर, उस ट्रस्ट के अंतर्गत यहाँ 3 विद्यालय 9B, 2A और 3C ये तीनों चलते हैं। आप अभी उसके भी मतलब सचिव के प्रभार में हैं। तो ये बाकी चाहेंगे कि अपने परिचित तो बहुत सारे कुछ चेहरे मेरे लिए भी पुराने ज्ञान है, अपने डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स बोकारो सामने श्री तरुण कुमार घोष जी, आप प्राचार्य BIASSS 8B जो BSL के अंतर्गत सेकेंडरी स्कूल है, आप उसके प्राचार्य। श्री शरद कुमार मिश्र जी, आप प्राचार्य BIASSS 2C। उनके बगल में डॉक्टर वीरेंद्र सुतार जी, जो फार्मासिस्ट का जो कॉलेज है घटियाली में, आप उसके निदेशक हैं। उनके बगल में श्री सुनील कुमार राय जी, आप गणित विभाग के वहाँ BIASSS 8B में ही विभागाध्यक्ष हैं। उनके बगल में डॉक्टर कृष्णा नंद भारती जी, आप बोकारो महिला कॉलेज विभागाध्यक्ष समाज शास्त्र हैं। और सर श्री राजीव जी, आप प्राचार्य SS कॉलेज चास। मैं बगल में डॉक्टर सत्यदेव तिवारी जी, आप प्रोफेसर हैं आगे कॉलेज में हिंदी। और श्री गंगेश पाठक जी, आप समाज में काम करते हैं, पत्रकार भी हैं, और जो अपने अध्ययन से संबंधित बातें होती हैं उसमें हमेशा आपका सहयोग मिलता है। मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार राय BIASSS 8B में संस्कृत विभाग में हूँ, और ऐसे हम संघ से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय संस्कृत संघ धनबाद विभाग है, विभाग धनबाद विभाग का सह बौद्धिक प्रमुख। हमसे क्यों मेहमान नहीं किए, सबका परिचय करा दिया, कभी करा रहा था लेकिन कराने ही वाला था। मेरा आग्रह होगा